नमस्ते फ्रेंड, मृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम काले मसर की दाल बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। दाल हमने ले ली 250 ग्राम, जिसको जिसमें यह है ये दो कप में 250 ग्राम दाल है। ये हमने एक घंटा भिगो ली थी तो पानी नितार दिया इसका। दो टमाटर, दो हरी मिर्चें हमने चॉपर में पीस ली हैं, और ये एक इंच का टुकड़ा है अदरक का, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। सरसों का तेल ले लिया हमने एक कड़छी, इसको हमने गरम करके रख लिया। अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली आपको वीडियो जल्दी ही मिल सके। तो शुरू करते हैं काले मसर की दाल बनाना। गैस को ऑन कर देते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, ठंडा हो चुका है पहले। सरसों का तेल गर्म हो गया, जीरा डाल देंगे, इसको अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे। जीरे को ब्राउन हो गया जीरा, तो अदरक डाल देंगे। इसको भी ब्राउन होने देंगे। अदरक भी ब्राउन हो गया, अब हम टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको गैस को थोड़ी कम कर देते हैं। साथ के साथ मसाले भी डाल देते हैं। एक चम्मच नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हिला देंगे। नमक मिर्च को मसाले के अंदर पकने देंगे। जैसे मसाले के ऊपर तेल आ जाएगा, अच्छी तरह मसाला पक जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर हम डाल देंगे। मसाला पक चुका है और तेल ऊपर आ गया, तब हम दाल डाल देंगे। दाल को भी हम मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। इस मेजरमेंट से, इस गिलास से हम 3 गिलास पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। 5 विसल आने के बाद अब हम कुकर खोल देंगे और दाल हमारी बन के तैयार हो जाएगी। कुकर की हमने सीटी लगवा ली है 5, इसको हम कुकर को खोल देंगे। दाल बन के तैयार हो गई है, दाना दाना बना है, बहुत अच्छी बनी है दाल। अब दाल को हम कर देंगे सर्व। काले मसूर की दाल बनके तैयार हो गई है, हमने बना ली है और 20-25 मिनट में बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लगता। आप जिस प्रकार हमने बनाई है दाल, उसी मेथड से अगर आप बनाओगे दाल, तो आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी, दाना दाना अलग बनेगी, तो आपको बहुत स्वाद लगेगी। और इसमें हमने प्याज इसलिए नहीं डाला कि नवरात्र चल रहे हैं, कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमने प्याज नहीं डाला। अगर आपको डालना हो प्याज तो आप डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये रोटी के साथ, परांठे के साथ और चावल के साथ ये दाल बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर बना के खाना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों से भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली आपको वीडियो जल्दी ही मिल सके। तो अगली नई रेसिपी के साथ भी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।